आपने खुद भी देखा है कि पानी यमुना का आईटीयू की तरफ जा रहा है। ये गेट नंबर 12 जो है यहाँ का, उसमें ब्रीच हुआ है। यहाँ आर्मी की टीम, एनडीआरएफ की टीम और इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड, सारे लोग लगे हुए हैं और वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से काम चल रहा है, हम 4 या 5 घंटे में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में सफल होंगे। आर्मी की टीम यहाँ पर है, वो वेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम को 3-4 तरीके से हैंडल किया जा रहा है। एक तरफ सैंड बैग्स लगाए जा रहे हैं जिससे कि वाटर फ्लो को रोका जाए, दूसरी तरफ प्लेट्स आ रही हैं उनको भी लगाया जाएगा, पत्थरों को लाया जा रहा है उससे इम्बैकमेंट्स बनाए जाएंगे और आर्मी अपना काम कर रही है जो गेट्स बना रही है और उनको लगाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सफल होंगे। ये अभी इस टाइम सबसे बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया कल से, ये जो ब्रीच कर गया ये जल बोर्ड का रेगुलेटर और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी टीम्स लगी हुई हैं, 3-4 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे कि इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, बिकॉज़ यहीं से पानी शहर की तरफ जा रहा है। एक तरफ यमुना में लेवल कम हो रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये क्राइसिस है कि यहाँ से ITU और आसपास के इलाकों में पानी जा रहा है। लगातार मुनादी कर रहे हैं, इनफैक्ट जब से बारिश आई थी वो 8-9 तारीख को, तब से उनके एरियाज में खूब मुनादी कर रहे हैं। सर, सेंट्रल दिल्ली खासकर ITU, राजघाट, ये सब प्राइम लोकेशन है, वहाँ पे यमुना जब बारिश, अलग अलग जगह अलग अलग वजह से आया है। जैसे यहाँ पे ITU पे पानी जो है वो इसकी ब्रिज की वजह से आया है, वहाँ पे राजघाट पे जो पानी है वो बैक मार गया, वो एक ड्रेन उसकी वजह से आया है, और कई इलाकों में यमुना के ओवरफ्लो की वजह से आया है। अब राहत मिलनी चालू हो जाएगी, देखिए धीरे धीरे पानी नीचे जा रहा है। कल 208.66 पहुंच गया था, वहां से अब 208.38 तक तो आ गया। देखिए, ये रेगुलेटर है हमारा ड्रेन नंबर 12 पे, और ये ड्रेन्स जो बेसिकली शहर में जो बरसात का पानी होता है उसको यमुना में जो है डालती हैं। मगर आप देख सकते हैं आपके मेरे पीछे जो है यमुना है, और यमुना क्योंकि उफान पे थी तो इसके प्रेशर से ये रेगुलेटर कल शाम को टूट गया, और अब हो ये रहा है कि ये जो यमुना का पानी है ये इसी ड्रेन से उल्टा शहर में घुस रहा है। जो आप ITU के आसपास जो पानी देख पा रहे हैं वो यही है ड्रेन जो है जो पानी उल्टा ले जा रही है। तो सारी रात जो है यहाँ पे मुझे लगता है सैकड़ों मजदूरों का मोबिलाइजेशन था, हमारे IFC के कई सारे इंजीनियर्स थे, जल बोर्ड के इंजीनियर्स थे, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि गनी बैग से एक वियर क्रिएट कर दें, एक बंड क्रिएट कर दें, ताकि ये पानी जो है शहर में जाना बंद हो। और मुझे लगता है अब तक करीब करीब 8-10 हज़ार मिट्टी के भरे हुए कट्टे हमने इसमें डाल दिए हैं इस वियर को बनाने के लिए। 60% ये काम हो गया है, 40% आपको लगता है जी पाएगा? नहीं नहीं, इसलिए रुकेगा क्योंकि वो जो हमारा रेगुलेटर टूटा है वो भी टूट के बिल्कुल अलग नहीं हुआ है, वो टूट के भी अभी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, तो वो उसको सपोर्ट तो दे रहा है उस हमारे नए वियर को। और ये वियर का काम हम रोकेंगे नहीं, इसको हम रीइन्फोर्स करते चले जाएंगे।